अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूरुल्ला इन्फो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि एक दरख्त से गिरे सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और आपने कभी ऐसी चीज को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, साथ ही साथ वो मिट्टी में ऐसे चिप जाती है कि इनका मालूम करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया के ऐसे इनविजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप लोगों ने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। इस लिस्ट में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो कि एक टूटी हुई लकड़ी पर बैठने के बाद दिखाई नहीं देता कि ये कोई लकड़ी है या कोई एनिमल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नाज़रीन, इनविजिबल एनिमल्स तो बहुत है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 5 इनविजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो 5 नंबर पर है डेकोरेटर क्रब्स। इसकी शेप स्पाइडर की तरह होने की वजह से स्पाइडर डेकोरेटर भी कहा जाता है। और टेस्टी होने की वजह से एज अ एक्वेटिक फूड भी यूज किया जाता है। इसके बारे में दिलचस्प हकायक ये है कि इनके एग्जोस्केलेटन पर मखसूस हेक्स होते हैं जो इन्हें अपने जिस्म से अशिया को जोड़ने की इजाज़त देते हैं। ये न सिर्फ इन्हें अपने गिर्दोनवाह के साथ गुल मिल जाने में मदद करता है, बल्कि उन्हें शिकारियों से तहफ्फुज की एक तह भी फराहम करता है। इसके साथ साथ डेकोरेटर कीकड़े जहरीले मवाद जिसे स्टिंगिंग हाइड्राइज और समंदरी अमोनियस को अपने छिलके के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। ये इन पर शिकारियों के लिए हमला करना और भी मुश्किल बना देता है। डेकोरेटर केकड़े सिर्फ बेस बदलने के माहिर नहीं है, इनके चलने का एक अनोखा तरीका भी है। वो अपने लचकदार जोड़ों की बदौलत आसानी के साथ आगे पीछे और बगल में चल सकते हैं। आखिर में डेकोरेटर केकड़े की कुछ नस्लें इन चीज़ों का रंग तब्दील करने के काबिल होती है जिन्हें वो अपने जिस्म से जोड़ते हैं। नंबर 4 पर है द डेविल स्कॉर्पियन फिश। इसे शैतान बिच्छू मछली भी कहा जाता है। ये दुनिया के खतरनाक और जहरीली मछलियों में शुमार होता है। ये अपनी मुनफरिद जाहिरी शक्ल के लिए जाना जाता है। इसमें एक कांटेदार जिस्म और एक बड़ी पंखे जैसी दुम है। मछली को अपने जहरीली रेल की हड्डी के लिए भी जाना जाता है जो इंसानों में शदीद दर्द, सूजन और यहाँ तक के पालिश का सबब भी बन सकता है। अगर आप इस मछली से मिलते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपना फासला रखें। मछली जरहाना तौर पर जाना जाता है। अगर इसे खतरा महसूस होता है तो वो हमला करेगी। अगर आपको इसके रेल की हड्डी में से किसी ने डांक मारा है तो पूरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करें। अपनी खतरनाक शहूरियत के बावजूद ये दुनिया के बहुत से हिस्सों में एक लजीज खुराक समझा जाता है और ये आला दर्जे के रेस्टोरेंट के मेनुओं में भी पाया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी और रिहायशगाह की तबाही इस मछली की आबादी में कमी का बाइस बनी है। ये ज़रूरी है कि हम इस नौ की हिफाजत के लिए इकदाम करें। नंबर 3 पर है द बफ टिप माउथ। आप लोगों ने इसे अपने बाग के आसपास या जंगल में भी पड़पड़ाते हुए देखा होगा। इसकी मशहूर खसूसियत ये है कि ये कटे हुए लकड़ी की तरह दिखाई देता है। इसको ये नाम अपने भूरे नोक के साथ अपने मखसूस बफ रंग के परों से मिला है। इसके परों का पहला तकरीबन 50 मिलीमीटर है। इसके बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि ये रात के वक्त सबसे ज्यादा सरगर्म रहता है। ये रोशनी की तरफ भी मुतवज्जा होता है, लिहाजा आप इसे अपने टार्च की रोशनी या स्ट्रीट लैंप के गिर्द उल्टे हुए देख सकते हैं। बदकिस्मती से कीड़े की बहुत सी दूसरी नस्लों की तरह इसके भी कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से हालिया बरसों में कमी वाकई हुई है। लिहाजा अगर आप इन खूबसूरत मखलूकात में से किसी को देखते हैं तो इसकी तारीफ करने के लिए एक लम्हा निकाले और इसकी मस्किन की हिफाजत में मदद करे। नंबर 2 पर है द राइट 8 प्लाउंडर। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। राइट 8 प्लाउंडर को इसलिए कहा जाता है कि इसके दोनों आंखें इसके जिस्म के दाएं जानिब होती है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये दरअसल एक मुआफिकत है जो मछली को अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करता है। राइट 8 प्लाउंडर समंदर के फर्श पर रहता है और इसके जिस्म के एक तरफ दोनों आंखें रखने से वो चिपटा पड़ा रहता है और रेत या पत्थरों के साथ गुल मिल जाता है। इससे शिकारियों के लिए इसे तलाश करना इम्पॉसिबल हो जाता है और मछलियों के लिए शिकार पर गाद लगाना भी आसान हो जाता है। राइट 8 प्लाउंडर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये अपने इर्द गिर्द से मिलने के लिए रंग बदल सकता है। इसे कैमोफ्लाज कहा जाता है और ये एक और मुआफिकत है जो मछली को शिकारियों से छुपे रहने या शिकार को छुपाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस मछली की परवाह क्यों करनी चाहिए। ये बजात खुद एक शिकारी है, लेकिन ये बड़े जानवरों जैसे शार्क और समंदरी परिंदों की खुराक का काम भी करता है। एंड गाइस, अब बात करते हैं फाइनली नंबर 1 की। तो वो है द ओक लीफ बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई कम लीफ ज़्यादा लगता है। ये बाहर से सूखी हुई पत्ती लगती है, लेकिन अंदर से बहुत ब्यूटीफुल होती है। दिलचस्प चीज़ों में से एक इसकी खुद को चलाव लगाने की सलाहियत है। इसके परों के नीचे का हिस्सा बिल्कुल मुर्दा पत्ती की तरह लगता है। इसे शिकारियों से बचने में मदद मिलती है।
इसके साथ साथ ये एक बहुत ही मखसूस परवास का नमूना देता है जो इसे दूसरी तितलियों से अलग करता है। इसकी जाहिरी शक्ल की वजह से इसे जंगल में तलाश करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक हिजरत करने वाली नस्ल है और अपनी हिजरत के दौरान 2000 मील तक का सफर कर सकते हैं। तो ये थे नाज़रीन 5 इनविजिबल एनिमल्स जो मैंने आपके सामने बयान किए। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन मखलूक़ात के बारे में जानें और इनकी तारीफ करें और इनकी रिहाइशगाहों की हिफाजत के लिए भी इकदाम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।